दोस्तों, अमेजन से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान ईएमआई पर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ईएमआई पर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेजन से किसी भी सामान, किसी प्रोडक्ट को आप ईएमआई से कैसे परचेस करना है, कैसे ईएमआई पर आपको ऑर्डर करना है, उसका पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों साथ में आपको बता दूँ कि अमेजन से अगर आप ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट या परचेस करते हैं, आप खरीदते हैं, तो आपका दो टाइप का ईएमआई आपको अमेजन से आपको मिल जाएगा। और दोनों टाइप का ईएमआई से आपको कैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, सामान परचेस करना चाहते हैं, उस सामान को आपको सर्च करके निकाल लेना है। निकाल के आपको सामान का डिटेल्स को चेक करेंगे, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको उस सामान या प्रोडक्ट का आउटलुक वगैरह कैसा है, उसका क्वालिटी वगैरह, प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह आपको चेक कर लेना है। ओके, उसके बाद कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग्स क्या है, वो सब आपको चेक करना है। कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग्स से आपको पता लगता है कि प्रोडक्ट कैसा है या नहीं है, वो आपको पता लगता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करना है। सब कुछ चेक करने के बाद दोस्तों, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट सही है, उसके बाद आपको नीचे और एक इंपॉर्टेंट चीज चेक करना है कि आपको यहाँ पे देखिए शॉप विद कॉन्फिडेंस के नीचे आपको चेक करना है। यहाँ पे 7 डेज रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे देखिए, यानी ये जो रिप्लेसमेंट डेज रहेगा, इस रिप्लेसमेंट डेज का मतलब है कि दोस्तों आपका उस प्रोडक्ट आप डिलीवरी पाने के बाद, रिसीव करने के बाद, अगर कुछ दिन में ये अगर खराब हो जाता है या तो अच्छा नहीं है, तो आप उसको उस 7 डेज या तो रिप्लेसमेंट डेज के अंदर में आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका वारंटी वगैरह है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना है। और अभी आपको इसको बाय करने के लिए, ईएमआई पर इसको परचेस करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट में क्लिक करना है, या तो आप डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में आपको क्लिक करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट में क्लिक करता हूँ ईएमआई पर बाय करने के लिए। ऐड टू कार्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एडेड टू कार्ट। ओके, तो उसके बाद आपको ऊपर कार्ट में क्लिक करके कट कर देना है। कट करने के बाद अभी आपको नीचे कार्ट में क्लिक कीजिए। ये जो कार्ट है, कार्ट में क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो आइटम था, प्रोडक्ट था, वो आपके कार्ट में आ चुका है और आपको ऊपर में सब टोटल में टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा। अभी आपको इसको परचेस करने के लिए प्रोसीड टू बाय में क्लिक करना है। आपको प्रोसीड टू बाय में क्लिक करते ही अभी आप पेमेंट मेथड पेज में पहुंच जाएंगे और इसी पेमेंट मेथड पेज में आपको ईएमआई से परचेस करने का ईएमआई ऑप्शन भी मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको दो टाइप्स का ईएमआई आपको दिखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला होगा अमेजन पे लेटर। यहाँ पे अगर आपका अमेजन अकाउंट में आपने अमेजन पे लेटर एक्टिवेट करके रखे हैं, तो आपको अमेजन पे लेटर का ईएमआई ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अमेजन पे लेटर से ईएमआई करने से आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ओके, और दूसरा ईएमआई है आपको नीचे में देखिए ईएमआई, तो ये ईएमआई के जरिए भी आप ईएमआई पे ऑर्डर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके। ओके, अगर आपको यहाँ पे ईएमआई अनअवेलेबल दिखने को मिल रहा है, तो इसका कारण है कि आपका उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्राइस अमाउंट बहुत कम है, यानी एलिजिबल अमाउंट से कम है, इसलिए यहाँ पे अनअवेलेबल दिखने को मिल रहा है। ओके, तो आपको ये पता करने के लिए आपको वाई में क्लिक करना है। वाई में क्लिक करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ बताया गया है, अगर आप अमेजन से गोल्ड, ज्वेलरी, गिफ्ट वगैरह आप खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो आप उसमें ईएमआई कर नहीं सकते। ओके, अगर दो नंबर पर बताया गया है कि अगर आपके पास HDFC बैंक का और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप जो भी प्रोडक्ट या सामान खरीदते हैं, उस सामान का प्राइस आपको मिनिमम 1500 होना होगा या तो 1500 से ऊपर होना होगा। अगर आपके पास बजाज फिनसर्व LTD का कार्ड है, तो आपको उस प्रोडक्ट या परचेस करने का जो अमाउंट होगा, उसका अमाउंट 2000 से ज़्यादा होना होगा या तो 2000 होना होगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आप अमेजन पे लेटर EMI से EMI करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मिनिमम प्राइस 3000 या उससे ज़्यादा होना होगा। तो लेकिन कभी कभी दोस्तों आपको अमेजन पे लेटर EMI से कम अमाउंट में भी आपको EMI मिल जाता है। और उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए EMI पे परचेस करना चाहते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट का परचेस प्राइस अमाउंट आपको 5000 या 5000 से ज़्यादा होना होगा, तभी आप EMI कर पाएंगे। तो ये होता है आपका EMI की कंडीशन। तो अभी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए EMI करने के लिए आपको EMI ऑप्शन को क्लिक करना है। EMI ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट EMI ऑप्शन में क्लिक करना है। सेलेक्ट EMI ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमेजन पे लेटर के जरिए EMI करना चाहते हैं, तो अमेजन पे लेटर को क्लिक करना है, नहीं तो आपको ऐड ए न्यू कार्ड में क्लिक करना है। ऐड ए न्यू कार्ड में क्लिक करना है क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए। ऐड ए न्यू कार्ड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करने का पेज आ जाता है, और आपको यहाँ पे अभी कार्ड नंबर के जगह पे दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो वेबसाइट में 16 डिजिट का नंबर होता है, या तो किसी किसी कार्ड में 16 डिजिट नहीं रहता है, जो भी नंबर है क्रेडिट या डेबिट कार्ड का वेबसाइट का, वो नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद में उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है, ईयर एंड मंथ आपको डालना है। डाल के आपको एंटर कार्ड डिटेल्स में क्लिक करना है। एंटर कार्ड डिटेल्स में क्लिक करते ही आपका कार्ड डिटेल्स एंटर हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड देखिए यहाँ पे एंटर हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर CVV में
आपका उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का फ्रंट साइड में आपको एक 3 डिजिट का CVV नंबर रहेगा, वो 3 डिजिट का नंबर आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स में टिक कर देना है। इस बॉक्स में टिक करके आपको नीचे आके अभी आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। ओके, तो कंटिन्यू में जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका प्लेस योर ऑर्डर में आपका ऑर्डर डिटेल्स निकल के आ जाता है। और यहाँ पे अभी आपको प्लेस योर ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आपका OTP एंटर करने के बाद आपको EMI प्लान चूज करने को आएगा। EMI प्लान चूज करके सबमिट कर दे, आपका EMI ऑर्डर आप कर सकते हैं, सक्सेसफुली प्लेस कर सकते हैं। ओके, अगर आप अमेजन पे लेटर EMI से करना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ से बैग आके फिर अमेजन पे लेटर का EMI दिखाता हूँ। ओके, तो बैग आके आपको अमेजन पे लेटर अगर एक्टिवेट है तो आपको ये अमेजन पे लेटर को सिलेक्ट करना है। अमेजन पे लेटर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, देखिए EMI अवेलेबल। अगर EMI अवेलेबल दिखने को मिल रहा है तो आपको ये बीच में क्लिक कर देना है, पे इन इसमें क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद आपका EMI प्लान देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन EMI बाय में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही EMI प्लान देखने को मिल रहा है जो 3 मंथ्स का है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइस था 799 बहुत कम प्राइस है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही EMI प्लान देखने को मिल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस अमाउंट ज़्यादा है तो आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ इस तरह से EMI प्लान आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको जो कौन सा EMI प्लान आपको चूज करना है उस EMI प्लान को आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे में आपको हर मंथ आपका EMI कितना आएगा वो EMI अमाउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनता है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद टोटल EMI कट कितना है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे चूज EMI प्लान में क्लिक कर देना है। चूज EMI प्लान में क्लिक करते ही आपका EMI प्लान यहाँ पे आ जाता है। जब EMI प्लान यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना है, या तो ऊपर होगा कंटिन्यू तो आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू में जब क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू में क्लिक करते ही आप अगला पेज में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे अगर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो आपको नीचे आना है, नीचे आके नो थैंक्स में क्लिक कर देना है। नो थैंक्स में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए आपका प्लेस योर ऑर्डर डिटेल्स आ जाता है। और उसके बाद आपको नीचे में आपका डिलीवरी एड्रेस देखने को मिलेगा और कब डिलीवरी होगा वो डिलीवरी डेट देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप चाहते हैं तो आपका डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको चेंज डिलीवरी एड्रेस में क्लिक करना है। चेंज डिलीवरी एड्रेस में क्लिक करने के बाद में आपको एडिट एड्रेस में क्लिक करना है। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद में आपको यूज दिस एड्रेस में क्लिक करना है। यूज दिस एड्रेस में क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस डिलीवरी एड्रेस सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है। देखिए ऑर्डर प्लेस्ड, थैंक यू। ओके, और कब डिलीवरी होगा वो डिलीवरी डेट और आपका डिलीवरी एड्रेस डिटेल देखने को मिलेगा। यानी EMI पर आपका जो परचेस था, ऑर्डर था, वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। सक्सेसफुली EMI परचेस हो चुका है। अब जस्ट आपका डिलीवरी के लिए आपको इंतजार रहेगा कब डिलीवरी होगा। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो भी इतना है। और अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो एक कमेंट जरूर करना, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।